डिस्टर्ब मत करना। नहीं ना, इन्फॉर्म कर दे आपका। जी हाँ, अगर कोई आए बगैर पूछे हुए मेरे पास आने की जरूरत। जी सर, जी सर, जी सर। चौकीदार साहब, चौकीदार कौन आवे भोसड़ी वाला? साहब क्या हो? मैं बाबू नाग सिंह हूँ, राणा का छोटा भाई। अब चाहे बाबू हुआ चाहे दाबू हुआ, यहाँ बाबू ना चले यहाँ सर के हिसाब से काम चले। बताइए सर, क्या गलती हुई है? नहीं तो बाबू जिल लगा हुआ, नहीं ये लठिया देखा था। हाँ, ऊपर डरब नीचे निकाल ले। अरे सर ये बताइए, लोहा सिंह साहब है? हैं आए, लेकिन बिजी है थोड़ा। कह दो आपसे कोई मिलना चाहता है। ठीक है सर। बाबू सर, बोलना नहीं आता है? जल्दी में बोला है सर। सर हाँ वो एसआर जी और ससुर जी साले। क्या बात है? हम 10 किलोमीटर में बोलाए हैं, यानी जल्दबाजी में। जल्दबाजी में साहब प्रणाम। प्रणाम साहब। ये कहाँ से लहंगा चुन्नी वाली आ गई बे? मैं लहंगा चुनरी वाली नहीं हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम राणा सिंह है। तो राणा सिंह, और तुम्हारा नाम? नाग सिंह। नाग सिंह, तो यहाँ क्या करने आए, आलू छीलने? नहीं, मैं लोहा सिंह इंस्पेक्टर के पास आया हूँ, मेरे बड़े भैया ने उनको दावत पे बुलाया है। दावत है? वो नहीं आ सकते क्या? वो चलने से असमर्थ है क्या? नहीं, जब छोटा भाई है तो बड़े भाई को क्या जरूरत है। साहेब कहो, दावत बोला है यहाँ साहेब, 12 पलाई कटवाए यहाँ। क्या 12 पलाई रे? चौकीदार 12 पलाई क्या है? पूछो इससे साहेब। क्या है 12 पलाई? वह जो है कखरिया के भाई के भोंक देखे। साले कमीना, सुअर की बात कर रहा है ससुरा पागल। साहब क्या मेरे बड़े भैया ने बताया था कि लोहा सिंह मेरे दोस्त हैं। हाँ, मैं तो और जाओ उन्हें अपने साथ बुला कर ले आओ। चलो मैं आ जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अरे जा जल्दी बे, नमस्कार की तेल लेने गया, जल्दी जा। सारे लहंगा चुन्नी पहन पहन के आते सकल दिखाने। साहेब मैं उनका भाई नाग सिंह हूँ तो निपोर सिंह हूँ। साहेब क्या बात है? कहा था हमारे भाई लोग दोस्त हैं। दोस्त मैं इनके भाई का हूँ ना, इनका तो दोस्त नहीं हूँ। हाँ ये सही है साहेब, लेकिन कौनो काम क्या साहब, तई ध्यान दे के दे है। चौकीदार तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ साहेब। ठीक है। हाँ देखिए मैं न्याय करता हूँ। हाँ अगर हम न्याय में फंस गए तो चाहे मेरा दोस्त हो। हाँ चाहे खुद का क्यों हो भाई, और क्या, मैं बक्सने वाला नहीं हूँ। सही बात है साहेब। खैर बुलाया है दावत में। हाँ तो बचपन का मेरा दोस्त है साहेब। हो क्या बात, उनका कह देते हैं थोड़ा बहुत निरहियों के इंतजाम कर दी है। निरही क्या है चौकीदार? निरहिया या जो महुआ भे के उतार दे थे। ओ जो रामदार शर्मा दारू बनाता था वही वाली बात कह रहे हो क्या? ना है ना, वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ नहीं, मैंने पकड़ा था। नहीं साहब, दो डिब्बे निकली थी दारू। क्यों फंसाए हुए हैं? ये गुड़ीवा बा गुड़ीवा रतापुर वाला। अच्छा रतापुर वाला। हाँ वो का भोसड़ी वाले कब की दारू में पा गया ना। हाँ तो सीधा डाल दूंगा, निकालूंगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे चली ना हाई बदे गंगा भतार करो, हो नहाई बदे
बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं, अभी तक हमारा भाई नाग सिंह वापस नहीं आया। थोड़ी देर इंतजार करता हूं, नहीं आएगा तो मैं थाने पर खुद जाऊंगा। यार, तुम मेरे बचपन के मित्र हो और आज आपने याद किया, मैं आके महल आ गया। बहुत अच्छा किया मेरा दोस्त। ओ जिमें तुम्हारे बिना बहुत व्याकुल था। कोई बात नहीं दोस्त, और आज आप व्याकुल थे तो आपका दोस्त आपके पास आ भी गया। सुनो मेरे दोस्त, आपसे बताता हूं। अरे फंसी आज मैया भंवर में, मुझको उबारी दोस्त, आज हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अपने खड़भड़ खड़भड़ दोस्त भाई, आपकी नैया फिर भवन में फंसी है। जी हाँ, कौन सी नैया फंसी है और क्या बात है, साफ साफ बोलो ना यार। मैं बतलाता हूँ, बताओ। और मेरे हाथ से मुखिया ने मुखिया ने आज हमारे हाथों से मार खा गया और मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया, मारते मारते उसको खत्म कर दिया। साहेब साहेब, क्या बात है? ए मुखिया का मार्टर है ना, 302 का मुखिया बने, ये तो मुलजिम तो बन चुके हैं। तो का कहा था यार, लेकिन चौकीदार क्या बताऊं दोस्त मान, मेरे दोस्त हैं चाहे फोस्त हो, मुलजिम तो मुलजिम होत है। आ नहीं एक महुआ के बोतल हमका देत हुआ देसी तो सब माफ है। देखिए चौकीदार, ये आपस की बात है, काम करने दो। आपस को हो चाहे कोर्ट को हो, ये लो। ए सुना, ए साहब, हो गया काम साहब, थोड़ के और दे देते हैं। खुश है अब? खुश हो? हाँ जान ले, खुशी है ही, एक नोट और दे देते तब तो। हाँ जान ले, बस है लेकिन एक नोट और दे देते तो काम बन जाए। भैया ये बताओ, गवर्नमेंट के यहाँ पढ़ के साले भर्ती हुए हो कि घूस पे? बहुत मारूंगा साले, भी थाने में हो, अपनी लठ उठाओ, बस बोलो मत। अबे ना जान पाया, पहले बता डिग्री तेरी क्या है? डिग्री हमारी 0.0। साले घूस दे कर के लेकिन अच्छा, अब आए बताए कहा
दुनिया ना? क्या हो रहा है? यही मेरी दावत है, दावत के लिए बुलाए हो? अरे बड़े भैया, हमने तो कुछ बोला नहीं, साले बेवकूफ बना रहे। ये लो है? साले दावत दे रहे हैं हमको, तो साले दरोगा नहीं पा, बगल हो जाओ। देखिए नाथ सिंह, मैं बहुत टूटायल दरोगा हूँ, चलो साइड हटो, इधर आ। क्या बात है बे? आते बाज स्टूट पड़ा, बात क्या है? सर ये नाग सिंह और राणा सिंह मेरे बाबू को इतना मारा कि संसार को छोड़ के वो खुदा को प्यारे हो गए। मैं इन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले तेरे बाप को मार इसने मारा है, है? तो तुमने मुझको बताया कि आके साले यहाँ फायरिंग करने लगा है? सर अगर तुम्हारे बीबी को और तुम्हारे बाप को कोई बताएगा तो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएगा। मेरे पास पहले आना था तुमको। भैया मलखान, हमसे बतला दे साहब से, एक मिनट बस। मतलब इनके बाप को मारें? जी हाँ। तो बताओ तुम कर आने है? कौन तो सक रिश्तेदार है लोग पहले से बैठा चौकीदार साहब, इसके पिताजी को इसने मारा। नहीं नहीं, न्याय वाली बात करते हैं हम, न्याय वाली। इनके बाप को मारें ये ना जा पाए तो तुहा कौन रिश्तेदार है जो उनके हवेली बैठा है? देखे चौकीदार, उल्टी बात मत करो। उल्टी नाम सीधी बात करता है सर। मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त की हवेली है। हाँ, इसने मुझे दावत में बुलाया। अच्छा, मैं तो ये नहीं जान रहा हूँ कि लाठी चलेगी। चला ठीक है, अब तो साहब गरीब के पाँव में पियल डाला, अमीर के पाँव में बचाए लिए। ऐसी बात नहीं है, मैं न्याय करता हूँ भैया। खान क्यों मुझको बता रही तू? आज के युग में अंधा कानून तो है ही है। अंधा कानून है? हाँ सर, अंधा कानून है।
गरीबों का कोई न्याय नहीं है, सब अमीरों का। मैं देखते आ रहा हूँ सर, सब आजकल सब पुलिस प्रशासन सब अमीरों के देखभाल करते हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये लाठी हमको दो। क्यों नहीं दोगे? नहीं, जो उन कहा था 30 लाठी मारे खोल मार देता। मारना नहीं, तुम मुझे लाठी दो ना, पहले हम मार 25 लाठी मारो साले। 25 लाठी पहले स्टेफनी हम घुमा। सर मेरी कोई क्या गलती है? स्टेफनी हम हमारे बाबू को मार डाले, इस संसार में नहीं है, और मेरे ऊपर आप लठ बरसा रहे हैं साहब। साहब क्या हुआ? रखे साले को, साला उसके बजाय मुझे मार रहा है। अरे राणा साहब, चौकीदार और साला सेकंड हैंड पागल है, ठीक है, हो गया, मार दिया होगा, लग गया, खैर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आपकी हजामत ढंग से करूंगा, साले को ले, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे चौकीदार, हथकड़ी लगाओ, इसे थाने ले चलो। अरे नाक से निधर आओ, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इसकी जेब पे ध्यान दो, समझ रहे हो? देखना साले टकली नहीं तो निकाल लो जो जो 2000 है। हाँ कोई बात नहीं, चाहे तुम समझदार हो साहब। कोई बात नहीं, नाग सिंह राणा चलो, राणा और नाग सिंह चलो। ऐसा है चौकीदार, इन्हें थाने ले चलो। साहब क्या बात है, आप मेरे ऊपर भले इतनी लाठियां बरसा रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, तो मारते मारते मार डालो मुझे, मारते मार डालो मुझे, मेरी हिम्मत कभी होगी कम ही नहीं, कैद से एक दिन बाहर कसर भी, जब मेरे ऊपर चाहे जितनी भी लाठियां बरसाओ, लेकिन जिस दिन मैं कैद से बाहर आऊंगा, जेल से रिहा होऊंगा, उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा। जब तुम रिहा होगे तब ना, अभी तो रिहा नहीं हो, अभी तो मेरे कब्जे में हो। हाँ सर, तुम्हें मलखान में 14 साल की सजा लिखूंगा, और 14 साल में तुम साले बूढ़े हो जाओगे सर, तुम्हारा हाथ पांव तोड़ डालूंगा। मुझे 14 साल बाद जमानत तो मिलेगी, मेरी रिहाई होगी, उसके बाद मैं उस शराब जादे को थाने ले आओ, तो मैं इसकी पहले मस्ती ढील करता हूं। अरे चौकीदार, ये तुम्हारा क्या कानून है मुझे मालूम है, ये तुम्हारा कानून अंधा है, एक गरीबों का सुनने वाला नहीं है, सिर्फ मैं समझ रहा हूँ मुझे क्या करना है।